हैदराबाद के MM कॉलेज में आयोजित की जा रही इंटर कॉलेज एथलीट मीट के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचे गोल्ड मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए योगेश्वर दत्त ने हरियाणा सरकार की खेल नीति को बेहतर बताया, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की इन बेहतर खेल नीतियों के तहत ग्रास रूट पर काम होना जरूरी है। वहीं दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों पर सेना द्वारा की जाने वाली फायरिंग का समर्थन भी किया और कहा कि पत्थर बरसाने वालों पर सेना अपनी फायरिंग जारी रखे। योगेश्वर दत्त ने कहा कि पत्थर बरसाने वालों पर सेना खून नहीं बरसा सकती, सेना को भी अपनी आत्मरक्षा में फायरिंग करने का अधिकार है। उन्होंने सेना पर FIR दर्ज किए जाने की कार्यवाही को गलत ठहराया। इंटर कॉलेज थे तो देवलाल इंटर यूनिवर्सिटी तो इंटर कॉलेज थे यहाँ पे फतेहाबाद में, और आज मैं उसके ओपनिंग पे आया था। ये वो मेरे लिए ये संदेश है कि आप हमेशा अच्छा करने की कोशिश कीजिए, देश के लिए सोचिए, मजबूत बनिए, युवा मजबूत होंगे तो देश मजबूत बनेगा। हरियाणा सरकार में जितना हरियाणा सरकार करती हैं वो ये अभी की सरकार पिछली सरकार है बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों की तरफ ध्यान दिया है, बहुत ज़्यादा अब डायरेक्टर खिलाड़ी DSP लगाए गए हैं, और यही है कारण है कि आज सबसे ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा के खिलाड़ी सबसे ज़्यादा आते हैं। आप मेडल टैली देखोगे तब भी उसमें भी आधे में हरियाणा ही रहता है। आप चाहे एशियन गेम्स हो, ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, कुछ भी हो, यही कारण है कि जो खेल नीति है बहुत अच्छी है। और पर यह है कि अभी भी ग्रास रूट पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि ग्रास रूट तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक हम इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, इसलिए ग्रास रूट पर ध्यान देने की अभी भी जरूरत है। क्योंकि हम सुरक्षित सेना की वजह से हैं, अगर कोई हम पे पत्थर फेंकेगा हम उनके ऊपर पोल तो फेंक सकते हैं, और फिर वहाँ पर हालात इतने ख़राब हैं। जो भी था बहुत अच्छा किया सेना ने, क्योंकि सेना उधर है तो हम सुरक्षित हैं, वहाँ के आला सुरक्षित हैं, और कोई गलती करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और जो सेना के खिलाफ FIR दर्ज की बहुत गलत है। इंडेक्स के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मोगा की रिपोर्ट।